ट्रू 24 न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज और 3 T20 मैचों की सीरीज के बाद भारत को न्यूजीलैंड से 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं, जिसके लिए न्यूजीलैंड टीम भारत पहुंच गई है। आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को खेला जाना है। न्यूजीलैंड टीम का भारत पहुँचने पर न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज रोस टेलर ने ट्वीट करके बताया कि वह भारत पहुँच गए हैं। आपको बता दें, भारत को न्यूजीलैंड के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं, जिसके लिए सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी। आइए आपको बताते हैं T20 और वनडे मैचों के शेड्यूल के बारे में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे 22 अक्टूबर को मुंबई में होगा। इसके बाद दूसरा वनडे 25 अक्टूबर को पुणे और 29 अक्टूबर को कानपुर में होगा। इसके बाद इन दो टीमों के बीच 1 नवंबर से T20 सीरीज की शुरुआत होगी। पहला मैच दिल्ली में होगा। इसके बाद दूसरा T20 4 नवंबर को कटक में और तीसरा T20 मैच 7 नवंबर को राजकोट में होगा। टेलर पिछले कुछ समय से रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पिछली 8 पारियों में 40 से ज्यादा का स्कोर नहीं बना है। भारतीय परिस्थितियों का लंबा अनुभव है, क्योंकि वो IPL में शुरू से हिस्सा लेते आए हैं। न्यूजीलैंड ने पिछली बार सितंबर 2016 में भारत का दौरा किया था। इस दौरान उसने 3 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले थे। भारत ने टेस्ट सीरीज में कीवी टीम का 3-0 सेकंड सफाया किया था और वनडे सीरीज भी अपने नाम की थी। पहला वनडे 22 अक्टूबर पुणे, दूसरा वनडे 25 अक्टूबर मुंबई, तीसरा वनडे 28 अक्टूबर कानपुर, पहला T20 1 नवंबर दिल्ली, दूसरा T20 4 नवंबर कटक, तीसरा T20 7 नवंबर राजकोट। आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे और T20 मैचों की शुरुआत 22 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 नवंबर को आखिरी T20 मैच के साथ खत्म होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।